हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है वकार उल हसन और आप देख रहे हैं हिस्ट्री बाय वकार। नाज़रीन, काफ़ी दिनों से, मतलब काफ़ी महीनों से इस चैनल पे मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। उसके पीछे कुछ रीजंस थे, कुछ पर्सनल इश्यूज थे। तो इंशाल्लाह अब से इस चैनल पे मैं लाइव अपडेट डेली आया करूँगा और डेली वीडियोज़ को अपलोड किया करूँगा। तो ये वाली वीडियो सैफ अली जंजुआ की बायोग्राफी के मुताबिक होने वाली है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नासर अली जंजुआ पैदा कहाँ हुए थे। नासर अली जंजुआ कोटली डिस्ट्रिक्ट, जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में था जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, 25 अप्रैल 1922 को पैदा हुए थे। नाज़रीन, सैफ अली जंजुआ की अर्ली लाइफ और अर्ली एजुकेशन के बारे में कुछ ठोस इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाई। इन शॉर्ट, मैं आपको ये बताता हूँ कि उन्होंने इंडियन ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कब किया था। सैफ अली जंजुआ ने इंडियन ब्रिटिश आर्मी को 18 मार्च 1941 को ज्वाइन किया था। तो 1947-48 में जो इंडिया पाकिस्तान की आपस में जंग लगी हुई थी, उसमें सैफ अली जंजुआ बतौरे एक प्लाटून कमांडर अपने फ़र्ज़ सर अंजाम दे रहे थे। तो वो कश्मीर वाले सेक्टर में काफ़ी दिनों तक लड़ते रहे इंडियन आर्मी से। बिलाखिर 26 अक्टूबर 1948 को आखिरकार उन्हें जाम शहादत नोश हुआ और वो मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान कर गए। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले पहले मैं आपको ये बात बताता जाऊं कि सैफ अली जंजुआ की शहादत के टाइम पे उनको हिलाले कश्मीर दिया गया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ कश्मीर की तरफ से दिया जाता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको इस लिस्ट में शामिल कर लिया गया था जिसमें निशाने हैदर लेने वाले बाकी फौजी जवान भी थे। क्योंकि अब हिलाले कश्मीर का स्टेटस जो है वो बिल्कुल निशाने हैदर के बराबर है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला, जो हमारे हीरो जिन्होंने हमारे लिए जान कुर्बान की, अल्लाह ताला उनकी कदर करने की हमें तौफीक अता फरमाए। तो अगली वीडियो तक के लिए।